नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो बनाई है और कई सारे वीडियो में मैंने बताया है कि भाई यार तुलना मत किया करो, किसी भी सिंगर का किसी से तुलना मत करो। लेकिन कहाँ, लोग तो एकदम मतलब अब कौन सा उनके लिए शब्द इस्तेमाल करूँ। खैर, मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनके लिए शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो किसी शब्द के लायक भी नहीं है। इसलिए मैं किसी भी लोगों को उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा जिस तरीके से वो तुलनात्मक तरीके से तुलना कर रहे हैं और एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं, जिस तरीके से नीचा गिरा गाली टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो वो गाली टर्म का कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या उनके परिजन नहीं है, क्या उनके रिलेटिव नहीं है, क्या उनके पापा मम्मी नहीं है, वो एब्यूजिंग टर्म, वो गाली ग्लोज कैसे कर लेते हैं, उनकी इच्छा शक्ति कहाँ से जागृत होती है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो ऐसे टर्म का इस्तेमाल ना करें, एक बेबाक तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखने का भी कहीं ना कहीं जिसके अंदर ऐसी गुणवत्ता नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान है, वो बेवकूफ़ है और सबसे घटिया इंसान है जो ऐसे गाली ग्लोज किसी और कलाकार के लिए इस्तेमाल करता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे समाज के लिए, भोजपुरी समाज के लिए शोभनीय है। और ऐसी चीज़ें जो है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग, खास करके मैं सभी ऑडियंस से बात करना चाह रहा हूं, जो भी सिंगर के जो भी फैंस हैं उनसे मतलब नहीं है मेरा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी वाणी और ऐसी विचार जो है वो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। और आप किसी के फैंस हैं तो कोई भी गाली गलौज करता है, कोई भी अब्यूजिंग टर्म का इस्तेमाल करता है तो उसको आप बायकॉट करें, उसके वीडियोज को मत देखें। जहां तक मेरा मानना है, ये मेरी परसेप्शन है, बाकी आपकी क्या सोच है वो आप अपना देख सकते हैं। बात करें जैसे जैसे शिवशंकर को लेकर और जैसे शिवशंकर को लेकर और बारिश बन जाना को लेकर तुलना की जा रही है, तो मुझे लगा कि कुछ आप सभी को एक डेटा बताना चाहिए, एक छोटा सा डेटा बताना चाहिए ताकि आप लोगों का जो अकड़ है ना वो डाउन हो जाए। देखिए, भोजपुरी का गाना, खास करके खेसारी लाल यादव का गाना है, पवन सिंह का गाना भोजपुरी नहीं है। पवन सिंह ने अपना लाइन गाया है भाई, दूसरे तो हिंदी गाए अपना, और वो हिंदी गाने ही गाई है पायल देव जो है, वो अपना ही गाना गाई है। एक थोड़ा सा लास्ट वाला लाइन जो अंतरा होता है, अंतरा का जो सेकेंड लाइनअप होता है उसको भोजपुरी में ठेल दी है, तो वो भोजपुरी नहीं हो गया, वो बॉलीवुड सॉन्ग हुआ। और ये आपको फील करना चाहिए, आपको प्राउड कि चलिए हमारे बॉलीवुड लोग जो है हमारे भोजपुरी को थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप तुलना कर रहे हैं, गाली गलौज देते हैं तो मतलब रहा नहीं जाता यार, बोलने का मन करने लगता है। और वो खेसारी लाल यादव ने किया है, जय जय शिवशंकर भोजपुरी में गाया है, भोजपुरी वर्जन पूरा का पूरा गाया है, भले ही बॉलीवुड का रिक्रिएशन हो लेकिन वो भोजपुरी में गाया है और भोजपुरी में गाकर नंबर 3 पर पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि ये पवन सिंह से भी बड़ी बात भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक शेर जिस तरीके से नंबर 1 नंबर 3 ट्रेंड पर दहाड़ रहा है। मैं पवन सिंह को वो नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भोजपुरी गाना वो नहीं है, उसमें हिंदी गाने गाए हैं, हिंदी उसमें एक्टर्स हैं, हिंदी एक्ट्रेसेस हैं, उसमें हिंदी सिंगर हैं, हिंदी लिरिक्स राइटर हैं, हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो आप कैसे उसको भोजपुरी कह सकते हैं। खास करके अगर भोजपुरी की तुलनात्मक तरीके से बात कर रहे हैं तो भोजपुरी की बात करें, अभी भी नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है और ओरिजिनल में ट्रेंड कर रहा है खेसारी लाल यादव का, वही पवन सिंह का गाना म्यूजिक सेक्शन में चला गया है। ओरिजिनल में 2 नंबर पर दिख रहा है लेकिन 2 नंबर पर वो ट्रेंड नहीं कर रहा है बल्कि वो म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई फैन फॉलोइंग का असर क्यों नहीं पड़ता है। कई लोगों का कहना है कि पाल देव के साथ गाली तो क्या हो गया, साहिर शेख के साथ कर लिया तो क्या हो गया, हिना खान के साथ कर लिया तो क्या हो गया, कुणाल वर्मा के साथ कर लिया तो क्या हो गया। काहे नहीं हो गया भैया, आपको पता है, आप लोग कुछ करते हो रिसर्च, आपको पता होना चाहिए कि पवन सिंह जो है हमारे भोजपुरी सुपरस्टार, उनकी फैन फॉलोइंग 29 लाख है, महज 29 लाख उनको जो है फेसबुक पर लाइक करते हैं, समझ रहे हैं ना, 2.9 मिलियन लोग फेसबुक पर लाइक करते हैं, तो उनकी तो फैन फॉलोइंग भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है वो तो है ही। इसके अलावा अगर मैं पायल देव की बात करता हूँ ना, तो पायल देव जो है ना, जो पवन सिंह है ना, उनसे 4 गुना ज्यादा फेसबुक पर लाइक लेकर बैठी है, तो उनका औकात आपको पता होगा पायल देव का, और पवन सिंह वहां पर कितना टिकते हैं या भी आपको पता होगा, गा लेने से नहीं होता है चीजें। आप फैन फॉलोइंग देखें इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड वाइड पर कितना फैन फॉलोइंग जुड़ा हुआ है पायल देव के साथ, ये आप अंदाजा नहीं लगा रहे हो, शायद तुलना करने लग रहे हो खेसारी लाल से। 2.9 और 9.3 यानी कि 2 चौके 8, 4 गुना ज्यादा, 4 गुना के अप्रोक्सीमेटली नियर बाय में जो है पवन सिंह से पायल दे आगे है, आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं। हिना खान की बात करें तो 6.1 मिलियन, 2 गुना ज्यादा जो है पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह कहा जाते हैं, उनसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। साहिर शेख की अलग फैन फॉलोइंग है, साहिर शेख बहुत बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के और कई सारे फिल्मों में कई सारे अवार्ड्स उनको बड़े बड़े मिल चुके हैं। कुणाल वर्मा की बात करें तो कुणाल वर्मा एक लिरिक्स राइटर ऐसे हैं जो बड़े बड़े गाने बॉलीवुड में दे चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैन फॉलोइंग का असर नहीं पड़ेगा किसी गाने पर,
किसी गाने पे ये फैन फॉलोइंग का असर नहीं पड़ेगा। इस सारे के फैन देखेंगे एक बार ना गाने को, जैसे कि आप पवन सिंह चिल्ला रहे हो पूरा, तो पवन सिंह के फैन जैसे वो पायल दे के भी फैन चिल्ला रहे होंगे पायल दे, वहीं साहिर शेख के फैन चिल्ला रहे होंगे साहिर शेख, और हिना खान के फैन चिल्ला रहे होंगे हिना, तो असर नहीं पड़ता है। असर पड़ता है, और शायद यही वजह है कि ये गाना ट्रेंड पर कर रहा है, और वो भी भोजपुरी का नहीं है। गाइए, अकेले गाइए कोई गाना, पवन सिंह जी अकेले गाइए, उनके फैंस के लिए मैं कहना कि कहिए पवन सिंह को अकेले गाने के लिए, और जब वो होगा तो गुणगान हम भी गाएंगे और हम भी चिल्लाएंगे भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी। लेकिन आप लोग बिना तथ्य बिना प्रमाणिक तौर पे आप ये कह रहे हो, और खास करके मुझे इससे परहेज नहीं है, लेकिन आप यार अभद्र भाषा वल्गरिटी की जिस तरीके से आप अनुवादित भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। और मुझे नहीं लगता है कि वो शोभनी है, चाहे पवन सिंह चाहे खेसारी लाल यादव चाहे कोई भी स्टार सुने तो इस प्रकार के भाषा को वो ख्याल रखें। आप मर्यादित तरीके से बात करें, जो जो फैक्ट है उस पे बात करें, नहीं तो आप छोड़ दो, यूट्यूब चलाना छोड़ दो और यूट्यूब पे बात करना छोड़ दो, जहाँ तक मेरा अनुमान है और ये मेरी स्थिति थी। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर आप मुझे फॉलो करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।